नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। उत्तराखंड बुलेटिन का वक्त हो चुका है। अंकिता के हत्यारों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्ष दलों और संगठनों ने उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है। इस दौरान गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक बाजार बंद रखे गए। घनसाली क्षेत्र के जमियाला, बुड़ाकेदार, घुतु के तमाम बाजार बंद रखे गए। तो ही कोटद्वार में भी व्यापारियों की तरफ से बाजार बंद रखा गया, लेकिन कुछ व्यापारी दुकान खोलते भी नजर आए। इस दौरान केवल व्यापार या संगठनों के नेता ही नहीं बल्कि छात्र छात्राएं भी सड़कों पर उतरी। वहीं इसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने जनता से अपील भी की कि किसी भी हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल न हो। तो ये तस्वीरें आपको हम देहरादून उत्तराखंड की दिखा रहे हैं, जहां पर चलिए तीन अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, देहरादून की और साथ ही घनसाली की तस्वीर और तीसरी तस्वीर कोटद्वार की है। आप देख सकते हैं जहां पर तीनों जगहों पर आज जो है वो बंद का आह्वान रखा गया है। हालांकि पूरा उत्तराखंड बंद रखा गया है, जिसमें व्यापारी हो या जो विरोधी दल है इन्होंने भी इसमें भाग लिया है। साथ ही साथ स्कूली छात्र भी इस बंद में आज हिस्सा ले रहे हैं। ये तीन अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देहरादून की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर घनसाली की और कोटद्वार की तीसरी तस्वीर है। कतिपय विषयों को लेकर के उत्तराखंड बंद का आह्वान क्या है, मेरा से भी लोगों से निवेदन है कृपा करके किसी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधियों में बंद के दौरान शामिल न हों। बंद के दौरान सरकारी संपत्ति अथवा किसी प्राइवेट संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। शांति व्यवस्था बनाने में पुलिस का सहयोग प्रदान करें। प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधियों पर बंद के दौरान पुलिस की बहुत कड़ी निगरानी रहेगी और गलत काम करने वाले या विधि विरुद्ध काम करने वालों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक या विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपा करके शांति व्यवस्था बनाए रखें। देखो जी, ये तो लोगों की समझ की बात है। अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ, उसके लिए हम लोग बड़े, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, अगर बाजार बंद करना पड़े या कोई भी बात करनी पड़े, हम कांग्रेस के लोग उसको पूरा समर्थन देते हैं। क्योंकि न्याय जब भी मिलेगा तब कुछ होगा। जो लोगों के जहन में नहीं है, लोग यही नहीं समझ रहे, व्यापारी भी है चाहे वो व्यापारी, अगर ये समझने को तैयार नहीं है कि बाजार अगर एक दिन के लिए बाजार बंद कर दिया जाएगा, कोई ऐसा व्यापार पर असर नहीं पड़ता। संडे को वैसे भी छुट्टी होती है, बहुत से व्यापारी इस बात को अगर नेगलेक्ट कर रहे हैं तो गलत है। मैं अपने व्यापार मंडल चमियाले को से आपको टीवी 100 को बधाई देता हूँ कि आप अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से जो हमारी खबरें आगे बढ़ा रहे हैं। हम अपने जो ये उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी के साथ जो हमारे राजनेताओं के लड़के ने जो ये अभद्रता की है, बड़ी शर्मसार वाली बात है जो हमारे उत्तराखंड में ये कांड हो रहे हैं। मैं बाजार बंद का पूरा नैतिक रूप से समर्थन करता हूँ और ये बहुत जरूरी भी था ताकि दुराचारी लोग समझ जाए कि अब आगे आप कोई दुराचार नहीं कर पाएंगे। और उत्तराखंड आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड बंद का राजधानी देहरादून में मिला जुला असर देखने को मिला। उत्तराखंड क्रांति दल ने अंकिता हत्याकांड में दोषियों पर कड़ी कार्यवाही और सीबीआई जांच की मांग को लेकर बंद का ऐलान किया था। वही यूकेडी के साथ बंद में राज्य आंदोलनकारी भी शामिल हुए और रैली निकालकर अंकिता को श्रद्धांजलि देने का काम किया। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी नीरज, क्या कुछ जानकारी है? आज उत्तराखंड बंद रखने का ऐलान जो है पूरे उत्तराखंड में है और अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई है, क्या कुछ जानकारी है नीरज? बिल्कुल, देखिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय रहा जो अंकिता हत्याकांड हुआ ऋषिकेश में, उसकी गूंज पूरे उत्तराखंड में सुनाई दे रही है और न सिर्फ उत्तराखंड, पूरे देश में सुनाई दे रही है। और मसूरी की बात करें तो पहाड़ी की रानी मसूरी में भी इसका उबाल और आक्रोश साफ देखने में नजर आ रहा है। गैर राजनीतिक और राजनीतिक संगठन लगातार इसके लिए अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं।
कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, विभिन्न माध्यमों से अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। और इसी क्रम में इस बार मजदूरी व्यापार संघ के द्वारा जो है यहाँ पर बंद का आह्वान किया गया था, जो कि आज 12 बजे तक लागू किया गया था, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र है, पर्यटकों का लगातार आना जारी है। इस समय भी वीकेंड पर मजदूरी पर्यटक काफी मात्रा में आ चुके हैं जी, नीरज तो परेशानी ना हो। बिल्कुल, लगातार ये आक्रोश जो है लोगों में बढ़ रहा है और रोज इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और साथ ही साथ जो फांसी की मांग है वो भी बढ़ रही है, सीबीआई से जांच कराने की मांग भी बढ़ रही है, तो इस तरह से सरकार का क्या रवैया है जनता की ओर? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सभी का एक ही मांग है कि जो कि सभी का ये कहना है कि जब आरोपी जो है वो फिट हो चुके हैं तो उनको सीधे सीधा फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, जिस तरीके से मुख्यमंत्री धामी ने भी घोषणा की थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा जिसके माध्यम से तुरंत निर्णय लिया जाएगा, तो उन सभी का कहना है कि तुरंत इसका निर्णय लिया जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और यहाँ तक की फांसी की मांग की जा रही है। लेकिन बिल्कुल नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ अमनदीप इस वक्त जुड़े हुए हैं घनसाली से, घनसाली की भी खबर लेते हैं कि आखिर वहां पर किस तरह का ये जो है बंद इस दौरान क्या रहा, कितने लोग इसमें मौजूद रहे। जी अमनदीप, क्या जानकारी है घनसौली में और कितने लोग जो हैं इस दौरान मौजूद रहे, क्योंकि लगातार अब आक्रोश जो है वो बढ़ रहा है। अमनदीप, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड को लेकर जहां पूरे उत्तराखंड में उबाल है, उसमें जो घनसाली क्षेत्र पहाड़ी जो पहाड़ी इलाका है वहां पर भी लोगों में काफी आक्रोश बना हुआ है। इसी को लेकर आज तमाम जो घनसाली है, चमियाला है, बूढ़ा केदार है, गुत्तू, तमाम जो जितने भी बाजार घनसाली के अंदर आते, सारे व्यापारियों ने आज जो बाजार बंद का जो आह्वान किया गया था उसी को लेकर आज तमाम बाजार बंद रखे गए, और व्यापारियों ने साफ तौर पर एक ही मांग थी उनकी कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में जितने भी आरोपी हैं उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि महिलाओं में भी आक्रोश है, जो स्कूली बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, जो कॉलेज पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, उनमें भी काफी आक्रोश देखने को मिला, और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो आरोपी है उनकी उनकी उनको फांसी की सजा की जाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा इस बात का है कि आखिरकार जो अभी भी जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि अंकिता हत्याकांड को लेकर जो खुलासे होने चाहिए थे, कि जैसे जेसीबी को लेकर जो तमाम जो आरोपी है उन्होंने किस तरीके से अंकिता जो भंडारी हत्याकांड उसको किस तरीके से अमलीजामा पहना है, तो इसको लेकर भी बड़े खुलासे होने और इसको लेकर भी आक्रोश बना हुआ, और व्यापारियों ने आज जो उत्तराखंड जो बंद का आह्वान किया गया था उसका समर्थन किया है, और तमाम व्यापारियों ने आज पूरे बाजार है घनसाली क्षेत्र में और पहाड़ में जितने भी बाजार है वो सारे बंद रखे गए। अमनदीप, क्या कुछ रेस्पॉन्स, क्या कुछ फीडबैक सरकार की तरफ से वापस मिल रहा है, क्योंकि अब ये गुस्सा जो है लगातार बढ़ रहा है, तो क्या कोई फीडबैक रेस्पॉन्स ऐसा मिल रहा है? बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, और अब जिस तरीके से स्कूली छात्र छात्राओं से लेकर व्यापारियों से लेकर तमाम राजनीतिक संगठन जिस तरीके से इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, और एक जघन्य अपराध है कि इस तरीके से देवभूमि उत्तराखंड में एक 19 साल की लड़की का हत्या कर दी जाती है, और जिस तरीके से शांत, क्योंकि शांत वातावरण है पहाड़ में, शांत वातावरण है, ऋषिकेश को भी एक देवभूमि कहा जाता है और पूरा उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन अब सरकार जिस तरीके से कह रही है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है, तमाम फास्ट ट्रैक बनाने की बात की गई है, लेकिन जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो तमाम लोग हैं जो उत्तराखंड से जो लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश सरकार ना करे, और जो आरोपियों ने जो जघन्य अपराध किया है उससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की सजा उनको दी जाए, और जो अपराध, जो उन्होंने अपराध किया है उस अपराध को, ताकि आगे आने वाले समय में कोई ऐसा जो दरिंदगी जो जघन्य अपराध किया है वो कर ना पाए। ठीक है अमनदीप, आपका ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये तस्वीर लगातार हम उत्तराखंड से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले के बाद लगातार उत्तराखंड में ये मामला जो है तूल पकड़ रहा है, लगातार लोगों की मांग है, और साथ ही साथ उन पर जो है कड़ी से कड़ी सजा जो है आरोपियों को दी जाए, ये लगातार मांग उठ रही है। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।